अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डाइटिशियन विस्पा और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि फेशियल हेयर आखिर क्यों आते हैं और क्या रीजंस हैं इनके। उसके रीजंस शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, उसकी डाइट शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने फेशियल हेयर को कम कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके फेशियल हेयर हैं और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके नहीं है, फ्यूचर में उनको ये जरूर काम आएगी। ठीक, आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 5 मेन रीजंस जिनकी वजह से आपके फेशियल हेयर्स ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं या होने का उनका खतरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन आ जाता है फैट। फैट आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दो किस्म के फैट होते हैं, एक होता है यूजफुल और एक होता है अनहेल्दी। हेल्दी और अनहेल्दी फैट होते हैं। जो हेल्दी फैट है वो होता है हमारे पास HDL लेवल और जो नॉन हेल्दी होता है वो होता है LDL। तो जब आपकी बॉडी में LDL यानी कि लो डेंसिटी वाला जो जो लिपिड है वो बढ़ जाता है तो आपको फेशियल हेयर्स, टॉक्सिसिटी की वजह से हॉर्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत सारे इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन आ जाता है फैट। दूसरा आ जाता है वेट गेन। जो वेट गेन कर रहे हैं, ओवर वेट हैं यानी ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं, तो उनका भी फेशियल हेयर्स का बहुत ज्यादा इशू देखा गया है। यानी कि आपकी बॉडी में दो किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स आपका वेट ज्यादा करते हैं और एक न्यूट्रिएंट्स आपके वेट कम करने में हेल्प करते हैं। तो जो ज्यादा करते हैं उनमें आ जाता है फैट, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, शुगर लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वेट बढ़ने की वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिजीज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और कौन सी ऐसे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कम हो रहे हैं? सबसे पहला नाम मैं लूंगी फाइबर का। फाइबर आपकी बॉडी में कम हो रहा है, हाइड्रेशन लेवल जो है वो भी आपकी बॉडी में कम है, जिसकी वजह से आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर ही रुक जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस और डिफरेंट फेशियल हेयर इश्यूज रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। तीसरा रीजन है हमारे पास रॉन्ग पैटर्न ऑफ डाइट। ठीक है, रॉन्ग पैटर्न ऑफ डाइट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अब आप यूं करते हैं कि सुबह उठते हैं और पराठा खा लेते हैं, दिन में आप रोटी या चावल खा लेते हैं, रात को भी रोटी या चावल खा लेते हैं, यानी कि आपकी डाइट का कोई पैटर्न नहीं सेट हुआ हुआ, आप हर मील में एक ही चीज को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एशियंस में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखा गया कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं छोड़ते, यानी रोटी को चावल को वो अवॉइड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, अब डाइट प्लान्स में भी दिया जाए तो उनको यही इशू होता है कि हम नहीं छोड़ सकते, हम लोग हर मील में खाना पसंद करते हैं। आप जब दिन में कार्ब्स ले रहे हैं, दोपहर में कार्ब्स ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में यानी कि बढ़ता जा रहा है और जितनी तेजी से आपका डाइट पैटर्न आप ऐसे ही रखते हैं तो उतनी तेजी से देखिए शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, फैट लेवल ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपके फेशियल हेयर आने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने डाइट को पैटर्न में नहीं लेके चलते हैं। अब मैं आपको डाइट पैटर्न भी इंशाल्लाह बताती हूँ इस वीडियो के अंदर ही। जो फोर्थ रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तब फेशियल हेयर्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको PCOS का इशू है तब आपको फेशियल हेयर्स का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज हैं कि इसमें आपके हार्मोन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते, कुछ ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं, तो इस तरह की बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो तब भी आपको फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। जो फिफ्थ नंबर पे आ जाती है वो है डिजीज, यानी किसी भी डिजीज से PCOS का प्रॉब्लम है आपको, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो ये डिजीजेस भी कुछ ऐसी है जिनसे आपको फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ अब मैं सिंपल करके आपको बताने लगी हूँ कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट सबसे पहला ये ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन लेवल, यानी कि डेली बेसिस पे आप 2 लीटर वाटर कंज्यूम करें, इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कोशिश करें जो आप 2 लीटर में से 1 लीटर पी रहे हैं, अगर आप 3 लीटर पी रहे हैं तो उसमें 1.5 जो लीटर आप पी रहे हैं उसको आप ल्यूक वार्म वाटर ही कंज्यूम करें। ल्यूक वार्म वाटर, हॉट वाटर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस, तो आपने ये एक अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है। दूसरा, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें जिनको फेशियल हेयर हैं, जिनको नहीं है वो वीक में 1 टाइम खा सकते हैं या फिर आप मंथ में 1 to 2 times ले, इससे ज्यादा ना ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इशू है फेशियल हेयर का। जो तीसरी बात आ जाती है कि आप अपने
जो डाइट पैटर्न है उसको बेहतर बनाएं। यानी कि आप अगर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी मील से आप प्रोटीन से कैलोरीज कंज्यूम करें, किसी से फैट से कंज्यूम करें और किसी से आप कार्बोहाइड्रेट से। आप सुबह दोपहर शाम कार्ब इनटेक जब ले लेते हैं तो बहुत सारा आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर आप अपना डाइट पैटर्न एक ही रखते हैं। तो ये कोशिश करें कि एक टाइम पे कार्ब कंज्यूम करें और बाकी दो टाइम पे प्रोटीन एंड फैट से ही अपनी कैलोरीज को बैलेंस करें, ठीक है। अगर किसी को डाइट प्लान चाहिए, अगर उसको फेशियल हेयर्स हैं तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप वहां पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके डाइट प्लान ले सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। आप किसी किस्म की भी मूवमेंट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटी रखें जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट मिले, मूव करें अपनी बॉडी को ताकि आपको स्वेटिंग भी फील हो, आपकी जो हार्ट बीट है उस पर भी अफेक्ट पड़े, आपकी जो ब्रीथिंग लेवल है उसको उसमें भी चेंजिंग आए। आप एक ही लेवल पे अपनी जब बॉडी को रखते हैं तो भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। तो कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी को जरूर अपनी लाइफ में रखें। The last thing is stress level. बहुत सारे लोग हैं, देखा जाए तो हर वक्त स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस उनको बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई होता है, हर बात की टेंशन वो ले लेते हैं। चाहे वो लेडीज हैं तो बच्चों की ले लेती हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं, ठीक है टेंशन होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को आपने सेट कैसे करना है, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप थोड़ा योगा कीजिए, आप कोई ऐसी ट्रिक्स अप्लाई कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की वजह से भी हार्मोनल इंबैलेंस होता है और जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स का इश्यू आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है अबाउट फेशियल हेयर्स। अगर आपको फेशियल हेयर्स हैं और आप परेशान हैं कि इसको मैं कैसे अपनी डाइट से कम कर सकती हूँ, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, मेरा व्हाट्सअप भी है और मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छा सा डाइट प्लान मिल जाएगा। ये थी आज की छोटी सी और इम्पॉर्टेंट वीडियो एक छोटे से प्रॉब्लम के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।